मोबाइल फोन के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, लेकिन भाई साहब इस डिवाइस की आदत ने लोगों के जीवन में शनिचर भी खूब बोया है। बच्चे क्या बूढ़े क्या, सभी मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। वे सोते जागते खाते पीते सिर्फ मोबाइल फोन में ही घुसे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर लोगों को मोबाइल फोन यूज करने के लिए सख्त मनाही है? वह जगह होती है एरोप्लेन, जहाँ बैठने पर फोन को फ्लाइट मोड पर रखने के निर्देश दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे निर्देश क्यों दिए जाते हैं, और अगर हम ऐसा ना करें तो इसका क्या अंजाम हो सकता है? आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल विमान अपने गंतव्य से उड़ान भरने के दौरान इसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम और संचार प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर प्लेन में बैठे तमाम लोग अपने अपने फोन पर बातचीत या इंटरनेट का यूज करते रहें तो इससे विमान के सिग्नल और सिस्टम में रुकावट आ सकती है। इससे पायलट को रडार और कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही फ्लाइट का रास्ता भटक जाने या एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि प्लेन में बैठते ही सभी यात्रियों को अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर रखने की सलाह दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगे रडार से टकराने लगती है। अगर प्लेन में बैठे सभी यात्री अपने मोबाइल फोन से बात करना शुरू कर दें तो प्लेन के रेडियो स्टेशन से संपर्क टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से कंट्रोल रूम की ओर से पायलट को दिए जा रहे निर्देश उसे अच्छी तरह से सुनाई नहीं देंगे, और न ही पायलट का मैसेज सही से नीचे सुनाई देगा, जिससे प्लेन क्रैश होने का खतरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल आप जब भी विमान में सफर करने जाएं तो थोड़ी देर के लिए अपना फोन एरोप्लेन मोड पर जरूर रख कर लें।